वापस सीट को अनप्रोटेक्ट अगर आपको करना है तो यहाँ से आप अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड को डालिए अनप्रोटेक्टेड में। पासवर्ड सही होना चाहिए, गलत होने पे दिक्कत हो जाती है, तो हमने पासवर्ड यहाँ डाल के अनप्रोटेक्ट कर दिया, अनप्रोटेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसमें खास क्या हो सकता है? तो खास के लिए हम ये करना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह का डेटा को सेलेक्ट ही ना करें। हम जब भी इसके अंदर कोई पासवर्ड डालें तो कोई भी बंदा सिलेक्ट ना कर सके। अब सिलेक्ट ना करने के पीछे रीजन है कि पासवर्ड डालने के बाद जो हम डेटा को कॉपी करते हैं उस कॉपी को हटाना होता है, कोई भी पर्सन मेरे डेटा को कॉपी ना कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जब राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो प्रोटेक्ट शीट में यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल अनलॉक सेल जैसे फीचर्स होते हैं। अब लॉक अनलॉक क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमने इन दोनों को हटा दिया। हटाने के बाद हमें कहीं भी क्लिक नहीं कर सकता, क्लिक नहीं कर सकता तो कॉपी नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। क्या सर? वापस अनप्रोटेक्ट करता हूं। अब इसमें एक चीज और आती है कि मैं चाहता हूं एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करना, एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करना। तो क्या होता है कि जब भी आप सीट के ऊपर पासवर्ड डालते हैं, सीट के ऊपर पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि प्रोटेक्ट द वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक से, मतलब जो भी यहाँ पे प्रोटेक्शंस हो रही है वो सिर्फ लॉक सेल में हो रही है, अनलॉक सेल में नहीं हो रही। तो अनलॉक लॉक क्या होता है, देखिए हर एक सेल पे जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं तो प्रोटेक्शन में इसके ऊपर लॉक लगा रहता है। अब लॉक लगा है इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है कि अगर हम शीट पे राइट क्लिक करा के लगा के प्रोटेक्शन सप्लाई करें तो प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेगा, मतलब उस पर पासवर्ड अप्लाई करेगा, जिस पे अनचेक कर दिया उस पर नहीं करेगा। तो इस येलो के एरिया को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल पे आते हैं और इस लॉक को यहाँ से अनचेक कर देते हैं। अब इसके अंदर अगर हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं, इसके अंदर हम कोई पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि बाकी जगहों पे हम किसी तरह का चेंजिंग ना कर पाएंगे बट यहाँ चेंज कर पाएंगे। अब बात आती है कि इसका यूज क्या होता है, ऑफिस में किस तरह का यूज करेंगे इस पे हम, तो चलिए हम आपको बताते हैं एक छोटी सी डेटा बना के। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ नेम है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ पे मैंने MRP लिखा, बाकी यहाँ अमाउंट है, यहाँ पे GST है, यहाँ पे कमीशंस है, यहाँ टोटल है और फिर टोटल के बाद डेट और जोन जैसे चीजें यहाँ दी हुई है। अब यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन भी है, जैसे MRP और ये दोनों आपस में कैलकुलेशन हमने कर रखा है। GST जो है हमारा इसका 18% है तो हमने इसका 18% कैलकुलेट कर लिया। कमीशंस जो है इसका 2% है तो 2% मैंने यहाँ पे निकाल लिया। फिर इनको आपस में टोटल कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या है कि जब मैं एंट्री करता हूँ मैं यहाँ पे पूजा लिखता हूँ, क्वांटिटी में 50, MRP हमने इतना किया, जैसे टैब प्रेस किया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। अब मुझे यहाँ 4-5 सेकेंड वेस्ट होता है यहाँ डेट और जोन लिखने में। मैं चाहता हूँ कि जब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है तो फिर इस पर कर्सर क्यों जाए, मैं एक बार यहाँ से जब टैब प्रेस करूँ तो जंप होके डायरेक्ट यहाँ पे चला जाए। इसके लिए क्या करूंगा कि पूरी सीट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसकी लॉक को हटा दूंगा। अब मैं पासवर्ड डालने के बाद कहीं भी टाइप कर सकता हूं, पासवर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 4 जो है प्रोटेक्ट रहे क्योंकि ये फॉर्मेटेड है, इस पर टाइप ना हो क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है, इस पर टाइप ना हो। तो मैंने वापस लॉक पे क्लिक कर दिया एंड ओके कर दिया, यहाँ देखिए लॉक लग गई। अब मैं इसमें अगर प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, लेकिन प्रोटेक्ट शीट करते समय ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपका लॉक और अनलॉक दो सेल दिख रहा है, इसमें
लॉग को यहां से हटा दीजिएगा, लॉग को क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा, देन ओके करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ ओम लिखा, यहाँ पे नंबर दिया, और जैसे ही टैब प्रेस करूंगा मेरा कर्सर सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। पहुंच गया, तो मेरा कर्सर इस पे आएगा ही नहीं। और इसका एक बेनिफिट और भी है कि हम फॉर्मूला को किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मूला देख भी नहीं सकते हैं। ये थी प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शंस के बाद हम बात करते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टर के बारे में। मुझे डेटा को सॉर्ट करनी है, तो डेटा सॉर्ट करने के बाद आप सॉर्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आपका रो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का रो ब्लैंक है तो फिर आपको मैनुअली डेटा को सिलेक्ट करके फिर सॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन अगर आप सॉर्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि आपका डेटा कंट्रोल ए पे चलेगा और इतना एरिया शॉर्ट करेगा, इससे आगे के एरिया शॉर्ट नहीं करेगा। शॉर्ट करने से पहले इसे देख लीजिए। दूसरी चीज, मान लीजिए मुझे शॉर्ट किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग करनी है, जैसे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करनी है, तो मुझे यहाँ पे कर्सर रखना है और ए टू जेड या जेड टू ए कर देना है। लेकिन मान लीजिए मुझे नेम और मेरे जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग करना है या सिटी के अकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए हम कस्टम शॉर्ट जाते हैं। कस्टम शॉर्ट, यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, ऐड किया, यहाँ पे मैंने अपना मंथ ले लिया एंड ओके किया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ। लेकिन अगर आप मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, ये वो अल्फाबेटिक शॉर्ट होगा न कि मंथ के हिसाब से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे, मंथ को सेलेक्ट करके यहाँ जो ऑर्डर होता है इस ऑर्डर में सबसे नीचे आप देखेंगे कस्टम लिस्ट, इस कस्टम लिस्ट पे गए और आप अपना जैन फैब वाला लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर फाइनेंशियल ईयर है तो न्यू लिस्ट पे जाके अपना बना भी सकते हैं। कल की क्लास में कस्टम लिस्ट बताया था आपको मैंने, तो मैंने जैन फैब सेलेक्ट करके ओके कर दिया और फिर ओके किया, तो फिर देखिए कैलेंडर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ। शॉर्ट मान लीजिए आप करना चाहते हैं कलर के हिसाब से, जो कलर है मैं चाहता हूँ कलर ऊपर आ जाए, तो कस्टम शॉर्ट में कलर का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप जैसे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, सेल कलर सेलेक्ट करके, और यहाँ आप जो अपना कलर चूज कर लें कि कलर ऑन द टॉप रहेगा या ऑन द बॉटम रहेगा, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, देखिए ऊपर आ गया। आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में जैसे आइकन, जो कल मैंने बताया था, वो आइकन का भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप आइकन के बिहाफ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। आप कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, कस्टम शॉर्ट में जाने के बाद जैसे मैंने एमआरपी सेलेक्ट कर ली, सेल कलर के जगह पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन, और आइकन में जो आप जिस आइकन को ऊपर या नीचे रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें, फिर ओके करें, उस हिसाब से आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक ट्रिक्स क्या होती है, तो चलिए इसमें एक छोटा सा ट्रिक्स आपको बताते हैं। इसके लिए डेटा को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटे डेटा पे आपको फर्क दिखेगा कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए कि मेरे पास कई सारे बड़े लंबे डेटा है, मुझे हर डेटा के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, हर एक डेटा के बाद क्या करना है, ब्लैंक रो इंसर्ट करना है कुछ यहाँ से, कि यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट किया, यहाँ इंसर्ट किया, इस तरह से। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके पास बड़ा डेटा है, आपके पास अगर बड़ा डेटा है तो प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि ऐसे मैन्युअली इंसर्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं और यहाँ पे 1 2 इस तरह से लिख के नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, और इसी सीरियल नंबर को नीचे मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी क्या होता है, जब भी शॉर्ट होता है, जब शॉर्ट होगा मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करूंगा, तो A1 और ऊपर वाला 1 यहाँ इकट्ठा आएगा, A1 और ऊपर वाला 1 क्या आएगा, इकट्ठा आएगा। तो मैं चाहता हूँ, और जब भी डेट जब शॉर्ट होगा तो ये अकेले नहीं जाएगा, पूरा का पूरा रो लेके जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिया, कस्टम शॉर्ट में गए, और कस्टम शॉर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे
सीरियल नंबर, लास्ट वाला सीरियल नंबर एंड ओके। देखिए आपका इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब इसको उल्टा करना चाहता हूँ कि मैं सारे ब्लैंक को डिलीट करना चाहता हूँ। देखिए जब डेटा कहीं से आप लेते हैं तो कई सारे ब्लैंक सेल होते हैं और आप लोग जनरली फिल्टर लगा के ब्लैंक को डिलीट करते हैं, लेकिन मैं फिल्टर लगा के ब्लैंक को डिलीट करने की सलाह नहीं दूंगा। आप क्या करें कि इसको शॉर्ट कर दें किसी एक के अकॉर्डिंग, जैसे मैं सिक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया तो शॉर्ट करते हैं डेटा ऊपर आ जाएगा और जो ब्लैंक है नीचे चला जाएगा, इससे आपके और ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। तो ये हमारी शॉर्टिंग की कंसेप्ट थी। अब थोड़ा बहुत एक नज़र हम पिवट टेबल के ऊपर भी मार लेते हैं। पिवट टेबल क्या करता है, सॉरी पिवट टेबल नहीं माफ कीजिएगा, फिल्टर। फिल्टर देखिए, फिल्टर जैसे मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट को ही देखना है तो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जाके फिल्टर आप लगा सकते हैं। फिल्टर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल क्लिक करते अप्लाई हो गया। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो जिस पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने अजीत को सिलेक्ट किया तो मेरा सिर्फ अजीत ही दिखेगा, बाकी डेटा नहीं दिखेगा। जिस जिसको क्लिक करेंगे वही हमारा डेटा दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा, चाहे वो नंबर में हो, टेक्स्ट में हो या आपके डेट टाइम में हो। तो फिल्टर भी तीन तरह के होते हैं। पहला आता है नंबर फिल्टर, ये आपको दिख रहा है इसको नंबर फिल्टर कहते हैं। यहाँ से नंबर ले लीजिए या फिर यहाँ पे नंबर फिल्टर में कंडीशंस है कि ग्रेटर देन, मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन 50 को फिल्टर करें तो ग्रेटर देन 50 लिख दिया तो जितने ग्रेटर देन 50 वाले नंबर्स हैं वो फिल्टर हो गए। इस तरह के हम कंडीशंस लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन वगैरह वगैरह, टॉप 10, मुझे टॉप 10 में मुझे टॉप 5 चाहिए तो टॉप 5 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर दिया, ये आपका टॉप 5 आ गया। इस तरह से इसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेम उसी तरह से जब कोई टेक्स्ट होता है तो इसके अंदर टेक्स्ट फिल्टर है, तो टेक्स्ट फिल्टर में भी बिगेन विथ एंड विथ सीधे कर सकते हैं। जैसे मेरे डेटा में जगह जगह पे दे ओम है, कहीं पे ओम है, कहीं पे ओम प्रकाश है। अब मैं ओम को फिल्टर करूंगा तो ओम प्रकाश फिल्टर नहीं होगा, ओम प्रकाश को करूंगा तो ओम फिल्टर नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि ओम जो स्टार्टिंग में ओम होना चाहिए, तो यहाँ पे बिगेन विथ हमने क्या कर दिया, ओम सेलेक्ट कर दिया, ओके कीजिए, जो ओम से स्टार्टेड है वो आपका आ गया। जो सिर्फ ओम भी है या ओम प्रकाश है, दोनों फिल्टर हो गए। ये हमारा टेक्स्ट फिल्टर होता है। डेट फिल्टर की बात करें तो डेट फिल्टर ईयरली मंथली इस तरह से ग्रुप होते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके उसको अनक्लिक करके क्लिक करके फिल्टर कर सकते हैं। और इसकी भी कंडीशंस होते हैं यहाँ पे कि बिफोर किसी डेट से पहले, आफ्टर किसी डेट के बाद, बिटवीन किसी डेट के बीच में, टुमारो अगर क्लिक करोगे तो कल की डेट सेलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि डेट ऑकरिंग में आपने कल लास्ट क्लास में सीखा था, स्टरडे, नेक्स्ट डे, दिस वीक, ये सब ही डेट के ऊपर ही है। जैसे मैंने ईयर टू डेट सेलेक्ट कर लिया तो 1 जनवरी 2022 से अभी जो डेट चल रही आज तक की डेट सेलेक्ट हो जाएगी। ये फिल्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, मैंने ओवरव्यू दे दिया। लेकिन एक चीज याद कीजिएगा कि जब भी आप फिल्टर लगाइए, जैसे मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स है मान, अब कभी कभी क्या होता है जब हम फिल्टर लगाते हैं तो हमारा डेटा हाइड हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये काफी यूजफुल चीजें हैं, हाइड हो जाता है। लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके कहीं पेस्ट करता हूँ तो पूरा डेटा पेस्ट होता है, मुझे हाइड डेटा नहीं चाहिए। तो उस केस में आप इसी के अंदर गो टू स्पेशल में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे विजुअल सेल्स ओनली, विजुअल सेल्स ओनली, और फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि वही सिलेक्ट होगा जिसको हमें कॉपी करना है, बाकी डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्ट वही होगा जिसको हमें, जो विजुअल है, हाइट को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो कोई डाउट है इसमें, किसी तरह के क्वेश्चंस? चलिए अब हम बात करते हैं पिवट टेबल। हम अगली टॉपिक बात करेंगे पिवट टेबल। अब एक चीज जान लेते हैं कि पिवट टेबल का यूज क्यों होता है।
देखिए हमारे पास जो डेटा होता है, और जो डेटा इस तरह की क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन में आती है, क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन में आती है, ठीक है। इस तरह के क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन में आती है। हमें डेटा पे रिपोर्ट बनानी होती है। अब रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा को समरी बनाते हैं, वो रिपोर्ट होता है। तो हम पिवट टेबल का यूज क्यों करते हैं? तो वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर द एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट द डेटा। तो पिवट टेबल बहुत ही अहम पार्ट है आपके एक्सेल के और आपके वर्किंग लाइफ के। ऐसा माना गया है कि आपका ऑफिस का 30 से 35% काम पिवट टेबल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकती है। तो चलिए पिवट टेबल लगाना सीखते हैं। पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर ले, इंसर्ट के अंदर में आपको पिवट टेबल दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं पिवट टेबल पे, और यहाँ न्यू न्यू वर्कशीट दिख रहा है, मतलब ओके करते एक नई शीट ऐड करेगा, उस पर पिवट लगा दे। लेकिन मैं यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाता हूँ और अपनी लोकेशन डालता हूँ कि मुझे कहाँ पिवट लगानी है, उसको सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करते हैं, आपका पिवट लग जाएगा। पिवट लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऊपर का जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर हेडिंग ब्लैंक हुआ तो फिर ये पिवट आपका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये देखिए आपके सामने ये हेडिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हेडिंग होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले तो आपने पिवट लगा लिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या यूज करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो पहले डेटा को समझिए। मेरे पास एक सेल्स का डेटा है कि किस डेट में, किस रीजन में, कौन से प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट कैटेगरी के, कौन सा प्रोडक्ट, किस कस्टमर ने, कस्टमर का टाइप नया है या पुराना है। उसके बाद यूनिट, कौन सी यूनिट, कितने यूनिट, कितने रेवेन्यू और कितना परसेंट उसने प्रॉफिट लिया है। सिंपल सा आपके सामने दिख रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको आपके सामने इसकी रिपोर्ट बनानी है पिवट। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये पता करना है कि किस रीजन में कितने न्यू और कितने रिपीटेड कस्टमर ने कितना रेवेन्यू का सेल किया है। सिंपल ही पता करना है। तो हमने रीजन को उठाया और रो फील्ड में रख दिया। तो आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ द रीजन मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए टाइप। मैं टाइप को उठाया और इसमें ड्रॉप कर दिया कॉलम। तो जैसे ही कॉलम में ड्रॉप किया, न्यू और रिपीट कस्टमर का यहाँ पे हेडिंग बन के आ गया। अब मुझे टोटल करना है रेवेन्यू का। तो याद रखिएगा कि अगर आप रो सेक्शन में कुछ डालते हैं तो रो में रो वाइज डेटा आता है, कॉलम सेक्शन डालते हैं तो कॉलम वाइज आता है, और वैल्यू में वो डालते हैं जिसपे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो जैसे रेवेन्यू का मैंने इसके अंदर डाला तो ये कैलकुलेट हो गया और मुझे बता दिया कि क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, डिवाइड फॉर सम किया। जब इस पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके और भी डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन से सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। हम ओके करते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया सिटी, उसके बाद न्यू टाइप है ही सम ऑफ द रेवेन्यू, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सेल्स। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है, इसकी फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। तो जैसे पिवट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको डिजाइन दिखेगा। डिजाइन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के पिवट के स्टाइल्स होते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा। क्या चीज का ध्यान रखना है? कि
आप जो है नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो होम पे जाके जो जनरली जनरली हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं ऐसा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द पिवट नहीं होता है। पिवट में कोई चेंजिंग होगी तो एक फॉर्मेटिंग को हटने का डर होता है। चेंजिंग क्यों होगी? जब डेटा के अंदर हम किसी तरह का चेंज करेंगे तो हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी जाके आएगा। मतलब आपको डेटा में कोई चेंज हुआ तो डायरेक्ट यहाँ चेंज नहीं होगा, आपको रिफ्रेश करना होता है। जब रिफ्रेश करेंगे तभी चेंज होगा, उसके में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम सबको सलाह करते हैं कि पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग को आप पिवट टेबल की एनालाइज से यहाँ से ले सकते हैं। अब चलिए, अब इसमें जो अगला पार्ट आता है वो फिल्टर का आता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज देखना है, तो प्रोडक्ट को हमने यहाँ फिल्टर में रख दिया। मैं यहाँ से अब जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा, इसमें 3DCL को सेलेक्ट करके ओपन किया, अब देखिए सिर्फ 3D का ही रिपोर्ट दिख रहा है, बाकी किसी और का रिपोर्ट नहीं दिख रहा है। सिंपल, एक पिवट हमने यहाँ पे आपके सामने लगाया। अब चलिए आगे की चीजों पे डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे जो रिपोर्ट चाहिए वो चाहिए कि किस सिटी में कौन से किस तरह के कैटेगरी कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किया, तो कई सारे चीजें हमें आने चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए पहले सबसे पहले तो पिवट दोबारा से लगाएंगे, अगर लगाना है तो दोबारा से लगा सकते हैं। मैंने बस कॉपी पेस्ट कर लिया, तो आप दोबारा से भी इसको लगा सकते हैं। मैं इस तरह का दोबारा से लगाने पे ये आएगा। अब मुझे चाहिए कि किस रीजन में किस कैटेगरी का और कितने प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सेल हुई है, तो यूनिट को मैंने यहाँ रखा। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की यूनिट बाय सेल आ गई। मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को हटा देता हूँ, मैं कस्टमर लिख देता हूँ, तो कस्टमर भी आ गए। आप बोलेंगे सर ये आप सब कुछ रो में रखे, हमने कॉलम में कुछ रखा ही नहीं। आप कॉलम में भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी को अगर कॉलम में रख दिया तो कुछ इस तरह का रिपोर्ट बने। लेकिन कॉलम में जब भी कोई फील्ड रखेंगे इसका ध्यान रखिएगा, उसका जो ए है काउंट है वो तो काउंट कम होना चाहिए, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल बहुत कम ही ले जाते हैं ना, इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होती है रिपोर्ट, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है और मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक बेनिफिट भी है प्रॉब्लम भी है। जैसे कि मान लीजिए इंदर को, इंदर है, टीवी है, ओम है, सेलफोन है, तो इसको स्वैप भी कर सकता हूँ, मैं नेम को कैटेगरी के नीचे रख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें आप यहाँ प्लस माइनस का निशान आप देख पा रहे होंगे ना, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी प्लस माइनस के निशान के क्या बेनिफिट होता है? जैसे मैं प्लस पे क्लिक कर दिया तो पुणे इस तरह से कोलैप्स हो जाएगा, और एक्सपेंड करना हो तो क्लिक करते हैं तो समरी ऑफ द समरी हो जाता है। एक साथ करने के लिए आपके एनालाइज में जाना होगा, और यहाँ प्लस पे प्लस कर दीजिए, माइनस पे माइनस कर दीजिए, इस तरह से। इस तरह से चीजें हम कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूं कि अलग अलग कॉलम में आए, तो आपके यहाँ एनालाइज डिजाइन के अंदर रिपोर्ट लेआउट में शो टेबलर फॉर्म को यूज करेंगे, तो हर कॉलम अलग अलग कॉलम में आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें टोटल आ रहा है, अब यहाँ भी टोटल है, यहाँ भी टोटल है, यहाँ भी टोटल है, थोड़ा सा दिक्कत है टोटल। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ यहाँ पे सब टोटल हटा दीजिएगा, हट जाएगा। फिर इसी तरह से इस पे क्लिक करके सब टोटल अनचेक कर दीजिए, तो हट जाएगा, सब टोटल हट गया। अब मैं चाहता हूँ जो पुणे में ब्लैंक जगह है ना वो रिपीट हो जाए, यहाँ पुणे 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 दिख जाए, तो रिपोर्ट लेआउट में ही यहाँ पे आता है रिपोर्ट ऑल आइटम लेबल, तो ये आपका रिपीट कर देता है। रिपीट के साथ साथ मैं एक ब्लैंक रो भी चाहता हूँ, तो यहाँ इंसर्ट ब्लैंक रो करेंगे तो देखिए हर आइटम के बाद एक ब्लैंक रो आ जाएगा। मुझे ब्लैंक रो नहीं चाहिए, डू नॉट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे रिपीट नहीं चाहिए, डू नॉट रिपीट कर सकते हो। मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में आपके सामने मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल होता है, क्लिक करेंगे तो देखिए सब इस तरह से मर्ज हो जाएंगे, एक बेनिफिट भी है। साथ में एक चीज और भी है, जैसे आप देख सकते हैं कि मोहन का सेल 113 है। मैं जानना चाहता हूँ कि 113 जो आया है इसका डेटा क्या है, तो वी जस्ट डबल क्लिक, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो एक नई शीट पे पूरी डेटा इस तरह से कॉपी पेस्ट करके दे देगा। लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता
कि कोई डबल क्लिक करके डेटा ले, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ डिस्प्ले यहाँ पे सॉरी डेटा के अंदर जाएं और यहाँ से अनेबल शो डिटेल्स कर दें, तो ये कोई भी अब इस पर डबल क्लिक करके पिवट नहीं लगा पाए। ओके, ये पिवट की बेसिक चीजें थी। अब बात करते हैं पिवट की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से पहले हम पिवट की ग्रुपिंग के बारे में जान लेंगे, ग्रुपिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो एक मिनट इसको बताता हूँ, पिवट वाले पे जाता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ डेटा को और यहाँ इंसर्ट पिवट टेबल, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और जहाँ चाहिए वहाँ पे गया, कर्सर रखा एंड ओके, पिवट लग गया मेरा। अब मुझे इसमें ग्रुपिंग चाहिए, जैसे कि मैंने यूनिट को लेके यहाँ रख दिया और हमने यहाँ पर रेवेन्यू रख दिया। अब इस तरह से देख सकते हैं कि एक यूनिट की सेल इतनी हुई है, दो यूनिट की सेल इतनी हुई है। मैं ग्रुप चाहता हूँ स्लैब कि एक जीरो से लेके दस, दस से लेके बीस, बीस से लेके तीस, इस तरह का चाहता हूँ एक स्लैब। तो आप राइट क्लिक करें, ग्रुप पे यहाँ ग्रुप पे चले आए। ग्रुप पे जब यहाँ आएंगे तो यहाँ स्टार्टिंग एंडिंग ऑटोमेटिक आ जाता है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पाँच पाँच का ग्रुप चाहता हूँ तो मैंने फाइव लिख दिया एंड ओके। तो आप देख सकते हैं एक से पाँच, छः से दस, दस से ग्यारह, इस तरह से ग्रुप होके आ गया। अब ग्रुप में मान लीजिए डेट का ग्रुप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पिवट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने और मैं डेट डाल देता हूँ, तो डेट बाय डिफॉल्ट इस तरह से ग्रुप होके आता है। नहीं आया तो राइट क्लिक करके आप डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं कि ग्रुप, और मैंने मंथ वाइज ग्रुप करना है तो मंथ वाइज ग्रुप हो गया। मुझे करना है कि नहीं अब मुझे दस पाँच पाँच दिन का ग्रुप करना है तो डेज को सिलेक्ट करें। यहाँ पे देखिए मंथ, क्वार्टर, ईयर सब कुछ होता है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं पाँच पाँच दिन के लिए तो मैं सिर्फ डेज को क्लिक किया और पाँच दिन सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो ये देखिए पाँच पाँच दिन का हमारा सेल आ। इस तरह से हम ग्रुप वगैरह कर सकते हैं। अभी जूम जो है क्लोज होगा तो दोबारा से आप लोग इसको रीस्टार्ट कर लीजिएगा और दोबारा से कर लीजिएगा, दोबारा से सेम लिंक से ज्वाइन कीजिए प्लीज। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट होता है, तो नंबर फॉर्मेट में आप आए और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग ले सकते, इसमें परसेंटेज विथ टू डेसिमल हमने जीरो डेसिमल कर देता हूँ, जब दो डेसिमल कर देता हूँ, दो डेसिमल कर देते हैं ओके कर दिया, तो हमारी पिवट यहाँ लग गई। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पिवट लगाया कि किस पर्सन ने टोटल कितना सेल किया, टोटल यूनिट, टोटल क्वांटिटी और कितना रेवेन्यू जनरेट किया। और यहाँ पे एवरेज ए वी जी परसेंटेज कितना है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि भाई टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट कितना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पिवट टेबल के ऊपर ही देखिए फिल, पिवट टेबल जब आप यूज करेंगे यहाँ पे एनालाइज के अंदर फिल आइटम सेट में यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड दिखेगा। इस कैलकुलेटेड फील्ड में हम जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, और प्रॉफिट में सिंपल सा रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट और कुछ नहीं करता, तो इसको ऐड कर दिया एंड तो देखिए सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब मुझे ये पता करना है कि रेवेन्यू इतना है इतने क्वांटिटी में, तो पर क्वांटिटी कितना रेवेन्यू, मतलब कितना जमानत होगा, मैंने कि एक पीस को हमने कितने में एवरेज बेचा, तो उसके लिए भी यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पे रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट, और फिर यहाँ पे ऐड कर यहाँ फील्ड फील्ड वन ही रखा, फील्ड को चेंज कर दीजिए अमाउंट पर क्यूब, यहाँ पे ऐड कर दिया
एक मिनट, यहाँ गलत हो गया, कुछ गलत हुआ। कैलकुलेट फील्ड में आते हैं, फील्ड टू जीरो, फील्ड वन जो है इसको तो हम यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कीजिए, फील्ड वन को डिलीट करना है। और यहाँ पे रेवेन्यू डिवाइड बाई यूनिट, सही तो है। सॉरी, यहाँ पे और डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसका आंसर नहीं हो रहा, बड़ा डिवाइड हो जाता है डेटा में, हो सकता है कहीं पे ब्लैंक होगा इस कारण से डिवाइड नहीं हो रहा, बड़ा डिवाइड हो सकता है। तो आसानी से आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी कैलकुलेशन लगाना चाहे वो यहाँ आप लगा सकते हैं। और एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे प्रॉफिट को जो है हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय यूनिट कर देते हैं। हाँ ब्लैंक है, इसका मतलब है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ब्लैंक। तो कैलकुलेशन इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या कंट्रीब्यूशन वगैरह की कैलकुलेशन हो सकती है। अब एक क्या होती है, अब चलिए इसके बारे में भी एक अलग व्यू बनते हैं, हम आपके साथ बात करते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने सिटी वाइज बस अपना रेवेन्यू का टोटल निकाला, या प्रोडक्ट वाइज, या मान लीजिए प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट की कैटेगरी रखा और प्रोडक्ट कैटेगरीज में अपने टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे डाल दिया। अब ये यहाँ पे रेवेन्यू को उठा के मैं एक बार और डाल सकता हूँ। यहाँ वैल्यू फील्ड में एक चीज को कई बार आप डाल सकते हैं। अब इसमें रिवेन्यू में आप देखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें कंट्रीब्यूशन दिखे कि भाई कैमरा का, सेलफोन का, कंप्यूटर का मार्केट शेयर कितना है। तो यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जहाँ पे हम सम वगैरह करते हैं उसी के बगल में आपको दिखेगा शो वैल्यू एज, इसी के अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम मतलब कि जो टोटल यहाँ है इससे सबको डिवाइड करें एंड ओके करेंगे। देखिए ये कंट्रीब्यूशन आपके सामने निकल गया। तो पिवट टेबल से इस तरह की कैलकुलेशन हम करते हैं। अब यहाँ पे पिवट टेबल की हमारी पार्ट वन खत्म होती है, हम बात करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू, सबसे पहले पार्ट टू में हम जानेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल, कि एक्सटर्नल पिवट टेबल हम कैसे लगाते हैं। तो इंसर्ट करेंगे तो यहाँ एक्सटर्नल पिवट टेबल है। अब एक्सटर्नल पिवट टेबल का मतलब ये होता है कि आप पिवट टेबल लगाते समय डेटा उसी फाइल से, भी देख रहे हैं उसी फाइल से ना, सीट से ना लेके किसी और फाइल या सॉफ्टवेयर जैसे एम एस एक्सेल से और एसक्यूएल से और ओरेकल से या एक्सेल टू एक्सेल ही आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एफ ड्राइव के अंदर और डेटा में एक्सेल के अंदर मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी पिवट का डेटा, पिवट टेबल का डेटा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये डे टू फाइल पिवट टेबल की फाइल से डेटा लेके पिवट बना, तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स में ऐसा किया जा सकता है। आपके सामने ओके कीजिए, देखिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ से हम पिवट जो करना चाहे वो कर सकते हैं कि मुझे ईयरली रिपोर्ट चाहिए, सेल्स टाइप बाइक चाहिए और टोटल क्वांटिटी चाहिए, आप यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आपको एम एस एसक्यूएल एम एस एक्सेस से लगाना है तो इंसर्ट कीजिए एक्सटर्नल पिवट टेबल, एम एस एक्सेस से ला सकते हैं तो जिससे लाना चाहिए ला सकते हैं। अगर आप अगर एसक्यूएल सर्वर अगर लेना चाहते हैं तो न्यू सोर्स पे जाके आपके एसक्यूएल सर्वर वगैरह सेलेक्ट करना होगा, बट इसके लिए आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए। ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं पिवट चार्ट की और हम बात करते हैं स्लाइसर्स की। तो चलिए जो पिवट हम टेबल हमने रख रखा है हम इसी चीज को जिक्र करते हैं। होता है कि कई बार हमें एक ही डेटा के ऊपर कई सारे पिवट लगाने पड़ते हैं। जी हाँ, एक ही डेटा के ऊपर कई सारे पिवट लगाने पड़ते हैं।
तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एक पिवट को कई सारी शीट्स पे अप्लाई करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिवट टेबल दिया, एडजस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया बैक। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने रीजन वाइज अपना टोटल यूनिट निकाला। अब इसके ऊपर मैं आसानी से चार्ट वगैरह लगा सकता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा सेल्स क्या हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसमें अपना रेवेन्यूज भी दिखाना है। तो अगर मैं इसके अंदर अपना रेवेन्यू को डालूंगा इसके अंदर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हमारा जो यूनिट है, यूनिट नहीं दिख पाएगा ना, दिखने के पीछे रीजन ये है कि आपका जो ये है रेवेन्यूज है वो इतना ज्यादा है कि उसके सामने आपकी क्वांटिटी बड़ी छोटी पड़ रही है। तो इसी तरह से कई तरह के डेटा है जिसको हम पिवट चार्ट के थ्रू शो नहीं कर सकते। तो उस केस में हम यहाँ अलग अलग पिवट लगाएंगे और फिर उस पर अलग अलग चार्ट लगाएंगे। कैसे, देखिए मैं इसी पिवट को सिलेक्ट करके कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूं। अब इसमें मैं यूनिट इस पे मैं यूनिट के जगह पे रेवेन्यू रख देता हूं। हो गया। अब इसके ऊपर इंसर्ट करता हूं एक डिफरेंट चार्ट लगाता हूं। देख सकते हैं, तो यहां पे मेरा दो अलग अलग चार्ट यहां पे आपके सामने, यहां भी दो अलग अलग चार्ट है जो कि आप सामने देख पा रहे। ठीक है, ऐसे तीसरा चार्ट भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मैं इस चार्ट को किसी और शीट पे ले जा सकता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए एक समरी शीट बनाना चाहता हूँ जिसपे मैं सारे चार्ट्स को रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहां से इसको कट किया, कट करके हम इसको समरी पे ले गए, और यहां से भी इसको भी कट किया, कट करके यहाँ समरी पे मैंने इसके जस्ट बगल में रख दिया। और जब चार्ट आप लगाते हैं तो चार्ट की अगर आप एट्रैक्टिव फॉर्मेटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके सबसे पहले तो बटन्स को हाइड कर दीजिए, इसकी बटन्स को भी हाइड कर देता हूँ। उसके बाद हम चार्ट को क्लिक करते हैं, चार्ट को क्लिक करते ऊपर देखिएगा डिजाइन आता है, डिजाइन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट के अट्रैक्टिव डिजाइन मिलेंगे। उस डिजाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं वापस आता हूँ अपने किस पे पिवट पे। मैं एक और पिवट लगाना चाहता हूँ जिसमें मैं जानना चाहता हूँ अपना किस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हमारा कितना यूनिट सेल हुआ है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया और हमने इसको कैलकुलेशन की जगह पे परसेंटेज ऑफ ब्रांड टोटल या कॉलम टोटल कर दिया, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसके ऊपर भी हम एक पाई चार्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने पाई चार्ट को दिया और इसको कट करके हम समरी पे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ समरी पे लेके चले आए। और समरी पे लाने के बाद इसकी भी एक अपनी फॉर्मेटिंग चाहते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्मेट हो जाए, तो डिजाइन में हम एक बार देखते हैं जो फॉर्मेट मुझे सूट करता है उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लिया और हमने उसको लगा दिया। अब चलिए एक और पिवट हम यहाँ पे लगाते हैं इसके अंदर, चौथा। इस पिवट में हम क्या करना चाहते हैं कि सिंपल सा हम टाइप वाइज मैंने दो करना चाहते हैं इसमें, जो कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं चाहता हूं कि यहां से टाइप न्यू कस्टमर ओल्ड कस्टमर का टाइप और प्रोडक्ट कैटेगरी यहां से हट जाए, प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह पे मैं यहां पे कस्टमर का नेम रखता। और इसके ऊपर फिर मैं अपना पाई चार्ट लगाना चाहता हूँ, कॉलम चार्ट सॉरी। यहाँ सम ऑफ द यूनिट है, वैल्यू फिल सेटिंग में जाके कैलकुलेशन में नो कैलकुलेशन गया। अब इसको यहां से कट किया, कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको रख देते हैं।
इस तरह की डैशबोर्ड पे आप चार्ट वगैरह रख सकते हैं। हालांकि कल की क्लास में आपको हम अट्रैक्टिव पिवट टेबल की यूज करके एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बस चार्ट्स कनेक्ट करना सिखा रहे हैं। इसके डिजाइन पे जाते हैं, एक अच्छा सा पिवट यहाँ से चूज कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि फिल्ट्रेशन की, तो मुझे इसको अलग अलग एंगल पे इसको फिल्टर करना है। तो अब फिल्टर के लिए मैंने बताया था आपको कि पिवट टेबल में जाइए, शो फिल्टर में जाइए, यहाँ से फिल्टर रख दीजिए। मान लीजिए प्रोडक्ट के हिसाब से फिल्टर करना है तो यहाँ पे फिल्टर रख दिया। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 3DCL तो सिर्फ मेरा एक पिवट चेंज हो रहा है, बाकी पिवट चेंज नहीं हो रहा। बाकी पिवट क्या नहीं हो रहे हैं? चेंज नहीं हो रहा। सो ऐसा होना चाहिए कि सारे पिवट चेंज हो, तो सबके लिए अलग अलग फिल्ट्रेशन तो नहीं लगा सकता ना मैं। इसी यूज के लिए हम यूज करते हैं स्लाइसर। तो हम पिवट टेबल के एनालाइज में जाएंगे, जो एनालाइज है इस एनालाइज में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर। और इस स्लाइसर में जो जो आपको करना है वो आप सेलेक्ट कर लें एंड ओके कर लें, तो सारे इस तरह का डिजिटल स्लाइसर आ जाएगा। अब मुझे इसको अलग शीट पे जहाँ चार्ट है वहां लेके जाना है, तो वहां भी लेके जा सकते हैं कट करके, और उसको लेके जा सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको सही से सजा देना चाहता हूँ, तो मैं रीजन को यहाँ रख दिया, और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ रख दिया, इसको इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, प्रोडक्ट को भी यहाँ रख देते हैं, इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, नेम को यहाँ रखते हैं। अब ये जो इसका हुआ इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ रखते हैं, इसको भी यहाँ से हम छोटा कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, अब देखिए हो गया। अब मान लीजिए मुझे रिपीटेड कस्टमर का क्लिक चाहिए, तो इस पर क्लिक करूंगा तो चेंज होगा। बट ये क्या चेंज, तो सिर्फ एक ही चार्ट हुआ, बाकी तो हुआ नहीं। देखिए हमने अभी जो स्लाइसर लगाया वो किसी एक चार्ट से ही लगाया ना, यहीं से लगाया ना, एक फीवर से लगाया, बाकी से तो लगाया नहीं। तो बाकी से लगाने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इसको इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जहां से हमने स्लाइसर इंसर्ट किया, तो उसी के बगल में होता है फिल्टर कनेक्शन। इस फिल्टर कनेक्शन पे जाएंगे, सॉरी फिल्टर कनेक्शन, और जितने स्लाइसर हमने ऐड किए उस पर क्लिक करना है। तो जितने भी हमने पिवट लगाए हैं सब में जाके ये आपको क्लिक करना होगा। अब ये क्लिक करने से बचना चाहते हैं, एक तरीका है कि आप पहले स्लाइसर लगा लें, उसके बाद आप जो है पिवट को कॉपी पेस्ट करके अलग अलग पिवट लगाएं, तो स्लाइसर भी कॉपी हो जाता है। अदरवाइज आपको इस तरह से मैनुअली फिल्टर कनेक्शन में जाके एक एक को यहाँ से क्लिक करना होगा, जितने भी स्लाइसर आपने लगाए हुए हैं सारे पे। और स्लाइसर याद रखिएगा कि ये आपका लेटेस्ट एक्सेल, मतलब कि एक्सेल 2013 ऑनवर्ड मिलेगा, 2007 वगैरह पे ये चीज नहीं मिलेगी आपको, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो हमने लगा दिया। अब देखिए अब मैं समरी पे जाता हूँ। समरी पे जाने के बाद जैसे मैंने पुणे पे क्लिक किया, तो पुणे पे क्लिक करते सारा चार्ट हो रहा। कैसे हो रहा है, जैसे पुणे पे क्लिक किया तो यहाँ चारों चार्ट जो हमारा है वो सब में पुणे सेलेक्ट हो गया, और चार्ट ऐसे इसमें डेटा में पिवट में, और पिवट में पुणे सेलेक्ट होके बाकी डेटा को हाइड किया, तो चार्ट भी तो हमारा पिवट से कनेक्टेड है। तो पिवट से कनेक्टेड होने के कारण इसने भी अपना डेटा चेंज किया। तो इस तरह से आप इसकी कोई भी चीजें से हम न्यू करना चाहो तो न्यू हो जाएगा, पूरा न्यू हो जाएगा। यहाँ पे न्यू में मोहन का देखना है, पूजा का देखना है, तो क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक करके आप देखते चले। अब इसी को तर्ज पर रखते हुए कल हम पिवट के साथ आपके लिए एक डैशबोर्ड, एक रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे कल की क्लास में, ठीक है सर? तो आज की फाइल, और आई थिंक पंकज जी ने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो वो आपको हम रिकॉर्डिंग का भेज देते हैं आज। फिर कल की क्लास में हम मिलते हैं सेम टाइम, और प्लीज प्रैक्टिस कंप्लीट कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस ना करेंगे तो मुश्किल होगा सीखना।